खोला ही मिरर, इसका मिरर खोला ही है। ये चिंची रक्षा है, ये देखें ये मशहूर तरीन फ्लाइट्स अल आजम स्क्वायर के, ये सब फ्लाइट्स हैं। बहुत बहुत साइड पर रखा थी, ये शायद कुछ और नाम था इसका, अल आजम था या अल आजम था, ये सब अल आजम के फ्लाइट्स। देखें इनकी हालत क्या हुई है, अभी भी देखें माशाल्लाह से कराची जो है और मतलब अनबिलीवेबल कराची। ये है लेफ्ट साइड पे अल आजम स्क्वायर, वो कुछ और नाम था उसके मुझे याद नहीं आ रहा, उसे फ्लैट होगा, लेकिन ये है अल आजम स्क्वायर, मशहूर अल आजम स्क्वायर। देखें फ्लैट बराए फरोख भी है, अगर किसी को चाहिए या मिल जाएगा फ्लैट आपको, बहुत सस्ता फ्लैट मिलेगा क्योंकि प्राइसेस बहुत हाई हो गई हैं यहाँ पर। ये देखें ज़रा, ये है एरिया, ये लियाकतबाद का ब्रिज हमने क्रॉस किया है और ये कंजस्टेड एरिया, बहुत कंजस्टेड है, बड़ी ज़बरदस्त किसी का बिजनेस होता है यहाँ पर, बिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर का, पाउंड्स का रेट ही बता रहा हूँ। यहाँ पर जो दुकानें हैं ना, इट्स अमेजिंग। पुरानी यादों के साथ मैं एक और ऐसी जगह पर आया हूँ जहाँ पर मेरे वालिद साहब, मतलब मेरा बचपना जो है ना इस यहाँ एरिया है, यहाँ पे गुजरा है, यहाँ पे सिद्धि होटल और ये डाखाना कहलाता था, डाखाना, यह भी डाखाना लियाकतबाद का, तो हमारे वालिद साहब हमें लेके आते थे और यहाँ से धागे वाले कबाब, धागे वाले कबाब लेते थे। दिखाइए, देखिए साहब ये इसमें धागा लगा हुआ है, ठीक है, और ये कबाब इतने ज़बरदस्त होते थे, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग खिचड़ी के साथ खाते थे, मूंग की दाल की खिचड़ी हमारी यहाँ बनती थी या मसूर की दाल बनती थी, वो लेके यहाँ से जाते थे, उससे हम खाते थे और इसको भगाड़ के घर में खुद भगाड़ते थे इस कबाब को ले जाके। तो आपको यकीन नहीं आएगा, ये जो पुरानी यादों का मकसद यह है लाने का, ये लोग अभी भी जिंदा है, वालिद साहब का इंतकाल हो गया इस शॉप के, ये बेटे साहब को तो दिखाइएगा इनको चेहरा, ये बेटे साहब हैं ये चला रहे हैं। तो ये मैं अभी ऑर्डर कर रहा हूँ, मैंने एक प्लेट ऑर्डर की है, मैं वो मुझे वो टेस्ट मैं नहीं भूल सकता जो मैंने बचपन में खाया है, मेरे वालिद साहब माशाल्लाह से बनाते थे, उसको लेके आते थे, बघार देते थे। तो ये जगह लियाकतबाद की जगह है और डाखाने का जगह पर खड़ा हूँ मैं इस वक्त, और ये बहुत बिजी जगह है रियली, और आपको यकीन नहीं आएगा ये सब गोल गोल बन चुके हैं, तो रास्ता डिफिकल्ट है यहाँ पहुँचना, लेकिन जब भी आप लियाकतबाद आए डाखाने आए तो लगी हाजी अब्दुल हकीम साहब गोले वाला, हाजी अब्दुल हकीम गोले वाला ये है, इनके पास ज़रूर आप लोग आए ट्राई करें कबाब चिकन टिक्का जब भी आपको मौका मिले। तो ये लियाकतबाद के बीच चौराहे पे खड़ा हुआ हूँ मैं डाखाने के, मेरी यादें हैं इसके साथ तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये देखें जरा क्या खूबसूरत चिकन टिक्का साहब बन रहा है, जरा देखें, ओए होए होए होए, देखें जरा क्या चिकन टिक्का है साहब, क्या मशहूर है यहाँ के धागे वाले कबाब, तो मैं ले रहा हूँ और ये जब तैयार होगा फिर मैं मिलता हूँ आपको। थैंक यू यार, देखें इसकी जो आम की जो ऊपर में दिखा रहा, इसकी जो आम की तपिश है ना, इसमें कोयला सिकने की तपिश मेरे चेहरे पे आ रही है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त कोयला सिका हुआ है और इसकी जो खुशबू है ना, वो अनबिलीवेबल खुशबू है मेरी, इसकी जो मतलब स्मेल का मैं आपको बयान नहीं कर सकता, क्या नेचुरल, क्या अल्लाह ताला की क्या कहते हैं कुदरत है इन चीज़ों में, क्या खूबी बिहारी बूढ़ी हो, ऐसे करो, ओ
रोटी खाई जाती है इसके साथ, कबाब के साथ। और ये जब बना रहे हैं ना, ये देखें जरा क्या स्पेशल रोटी होती है ये, मैं आपको बता सकता हूँ कितनी खूबसूरत, और ये कबाब के साथ खाई जाती है साथ। अभी वो कबाब आएंगे, मैं कबाब के साथ खाऊंगा इसको, फिर आपको दिखाऊंगा। धागे वाले कबाब स्पेशल लियाकताबाद के डाखाने पे, ठीक है सर। ये आप देखें निकाले सर, देखें सर क्या और मैं धागा भी निकाल के दिखाऊंगा आपको। ओए, अब स्पेशल चपाती बन रही है इसके साथ, कबाब के साथ, धागे वाले कबाब के साथ चपाती चलती है। तो ये देखें स्पेशल बना रही है मेरे लिए, देखकर ठीक है, चपाती को दिखाएं। ये देखें जरा, ओए, गरम गरम चपाती साहब, क्या बात है यार, क्या बात है। अभी हम यहाँ आए, देखें जरा, वाह देखें जरा, देखिए साहब, मैं इसका धागा निकालता हूँ, ये धागा निकलेगा इसका। ओए, देखिए साहब, ये आपने नहीं खाए होंगे साहब, क्या बात है। देखिए साहब, माशाल्लाह, क्या यार, सुभान अल्लाह। देखिए साहब, ये धागा निकल रहा है और ये इसका कबाब गया मुंह में। ओए, क्या पानी आ रहा है यार। इसके साथ चटनी, इसके साथ प्याज, आपको मैं सच्ची बताऊं, इसका टेस्ट जो है ना, जबरदस्त टेस्ट है, जबरदस्त टेस्ट है। प्याज डालो, ये देखे ना, प्याज का एक निवाला लिया, इट इज रियली अमेजिंग कबाब। इसका जो मतलब हलवा यार, क्या कबाब है, कसम से टेस्ट उसका, फ्लेवर जबरदस्त। ये फ्लेवर नहीं मिलेगा आपको, मैं बता सकता हूँ क्या टेस्ट आ रहा है। देखे साहब, ओए, बहुत जबरदस्त यार, वाह। ये देखे आप धागे के कबाब, ओए, और हम लोग क्या बताएं आपको, क्या मजा कर रहे हैं, वाह भाई वाह। ये देखें साहब, प्याज डालें इसके अंदर ऐसे, ओए, ये निवाला बनाए, ये जबरदस्त निवाला, जबरदस्त, बिस्मिल्लाह। जो टेस्ट है ना, अमेजिंग धागे वाले कबाब, बहुत प्यारा टेस्ट है। ये आखिरी निवाला दे रहा हूँ, बहुत शानदार, अल्हम्दुलिल्लाह। एक और याद हूँ कि मैं भी शॉर्ट से मैं ज़्यादा चाहता हूँ, इन शाला आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी और जगह पर। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग। देखिए साहब, जो दौर उस वक्त था हमारे वालिद साहब का, वो जो कबाब आते थे ना, वो पत्तों के ऊपर भी आते थे और कागज़ में लपेट के देते थे हमें, उसका दौर था। अब देखिए माशाल्लाह से इन्होंने हमें कितने खूबसूरत तरीके से पैक करके दिया है,
ठीक है, ये कबाब है और ये वहाँ पे टिक्का, इट्स वेरी ब्यूटीफुल पैक, ये देखें सर बॉक्स के अंदर और गर्म बिल्कुल फ्रेश, देखें सर खूबसूरत इनकी पैकिंग, इनका अंदाज, सफाई सुथराई, वेरी नाइस, वेरी नीट एंड क्लीन। तो देखें इंशाल्लाह ताला, मतलब माशाल्लाह से लोगों ने इम्प्रूव किया है, मतलब वो जो दौर था पहले उसे कागज़ में लपेट के और हम ले जाते थे पत्तों में मिलता था जवाब, अभी उन्होंने माशाल्लाह से खूबसूरत पैकिंग के साथ हमें दे रहे और हमने और रोल का ऑर्डर किया है, प्याज है, हर चीज़ उन्होंने दी चटनी के साथ, हर चीज़ माशाल्लाह से और वेरी गुड प्राइस, मैं बता रहा हूँ अमेजिंग प्राइस है यहाँ पर। अगर आप कराची आएँ और ये कबाब नहीं खाएँ ना आपने, कुछ नहीं खाए, कुछ भी नहीं खाया जाकर आबाद के दाखाने पर, ठीक है, ज़रूर इंशाल्लाह। थैंक यू।